मुरादाबाद हिंदी संगठनों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन कर एक ज्ञापन राष्ट्रपति को मुरादाबाद जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि पश्चिम बंगाल में संघ से जुड़े एक कार्यकर्ता की उनके परिवार सहित निर्मम की गई हत्या के मामले में तूल पकड़ लिया है से लेकर हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसे ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को भेजा। मुरादाबाद के जिला मुख्यालय में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने संयुक्त रूप से कार्यकर्ता ममता बनर्जी के खिलाफ उतर आए और ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की और हिंदू संगठनों ने ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग की है कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में संघ से जुड़े प्रकाश पॉल और उनकी पत्नी व बेटे की हत्या करने वाले दरिंदों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा सुनाई जाए। मेरा नाम प्रभात गोयल एडवोकेट है। आज ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद महानगर की ओर से एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति भारत सरकार को व गृह मंत्रालय को इस आशय में भेजा जा रहा है। जिस प्रकार से हिंदुओं की निर्मम हत्याएं, गला काट हत्याएं बंगाल में की जा रही हैं और उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे मामले में जबकि बिल्कुल एक राज्य में लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है, एक वर्ग की हत्याएं निर्मम की जा रही हैं, हमारी ये मांग है केंद्र सरकार से, माननीय गृह मंत्री से, महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार से कि तुरंत और तुरंत वहां की सरकार को भंग किया जाए और जो लोग संबंधित मामलों में मुलजिम हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। खाली 302 के मुकदमों के अलावा जितने भी अधिनियम इस प्रकार के हैं जिसमें जमानतें नहीं मिल सकती हैं उसमें उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।